स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हम आपको मध्य प्रदेश के खजानों में बेशकीमती मोती की तरह चमकता प्राचीन शहर मांडू, इसके साथ ही राजा रानी के प्रेम का साक्षात साक्षी सुल्तानों के समय में सादियाबाद के नाम से जाना जाता, जिसका मतलब खुशियों का शहर। वास्तव में यह नाम इस जगह को सार्थक करता है। मध्य प्रदेश के हर हरे भरे जंगल, नर्मदा का सुरम्य तट, यह सब मिलकर मांडू को मालवा का स्वर्ग बनाते हैं। इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर मांडू विंध्याचल की पहाड़ियों पे 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मूलतः मालवा के परमार राजाओं की राजधानी रहा था। 13वीं सदी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम सादियाबाद। वास्तव में यह नाम इस जगह को सार्थक करता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में जहाज महल, हिंडोला महल, शाही इमाम और आकर्षक नक्काशीदार कुंभज वास्तुकला के उत्कृष्टतम रूप है। खिलजी शासकों द्वारा बनाए गए इस नगर में जहाज और हिंडोला महल खास है। यहाँ के महलों की स्थापना कला देखने लायक है। मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडर व इमारत हमें इतिहास के उस झरोखे के दर्शन कराते हैं जिसमें हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत व शान शौकत में रूबरू होते हैं। कहने को लोग मांडू को खंडहरों का गांव भी कहते हैं, परंतु इन खंडहरों में पत्थर भी बोलते हैं और सुनाते हैं हमें इतिहास की अमर गाथा। हरियाली की खूबसूरत चादर ओढ़ा मांडू विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर एक सुंदर पर्यटन स्थल रहा है। यहाँ के शानदार व विशाल दरवाजे मांडू प्रवेश के साथ ही इस तरह हमारा स्वागत करते हैं मानो हमने किसी समृद्ध शासक के नगर में प्रवेश कर रहे हो। मांडू के प्रवेश के घुमावदार रास्तों के साथ ही मांडू के बारे में जानने की तथा उसकी खूबसूरत इमारतों को देखने की हमारी जिज्ञासा चरम तक पहुंच जाती है। यहाँ के विशाल इमली के पेड़ व मीठे सीताफलों के लदे पेड़ों को देखकर हमारे मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। यहाँ की कबीट नुमा स्पेशल इमली के स्वाद के चटकारे लिए बगैर भला कैसे हमारी मांडू यात्रा पूरी हो सकती। आप भी यदि मांडू दर्शन को जा रहे हो तो एक बार अवश्य यहाँ की इमली, सीताफल व कमलकट्टे का स्वाद चखिएगा। आइए चलते हैं मांडू की सैर पर। रानी रूपमती का महल देखे बगैर मांडू दर्शन अधूरा है। 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती की के लिए करवाया था। इसी के साथ ही सैनिकों के लिए मांडू की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के बेहतर स्थान के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। कहा जाता है कि रानी रूपमती सुबह उठकर मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। अतः रूपमती के नर्मदा दर्शन को सुलभ बनाने हेतु बाज बहादुर ने ऊंचाई पर स्थित इस महल का निर्माण करवाया था। बाज बहादुर का महल निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। इस महल में विशाल आंगन व हॉल बने हुए हैं। यहाँ से हमें मांडू का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। रेवा कुंड का निर्माण बादशाह बाज बहादुर ने अपनी प्रेयसी रानी रूपमती के महल में पानी को पर्याप्त व्यवस्था के स्रोत के रूप में किया था। जामी मस्जिद मांडू का मुख्य आकर्षण जामी मस्जिद है। इस विशाल मस्जिद का निर्माण कार्य होसंग शाह के शासनकाल में आरंभ किया गया था तथा महमूद प्रथम के शासनकाल में यह मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। इस मस्जिद की गिनती मांडू की नायब व शानदार इमारतों में की जाती है। यहाँ भी कहा जाता है कि जामा मस्जिद डेमास्कस की एक प्रसिद्ध मस्जिद का प्रतिरूप है। अशरफी महल जामा मस्जिद के सामने ही अशरफी महल है। अशरफी का अर्थ होता है सोने के सिक्के। इस महल का निर्माण होसंग शाह खिलजी के उत्तराधिकारी मोहम्मद खिलजी ने
इस्लामिक भाषा के विद्यालय के लिए किया था। यहाँ विद्यार्थियों के रहने के लिए कई कमरे का निर्माण किया था। जहाज महल का निर्माण 1400 से 1500 ईस्वी में मध्य में करवाया गया था। यह महल जहाज की आकृति में दो कृत्रिम तालाबों कपूर तालाब व मुंज तालाब दो तालाबों के मध्य में बनाया हुआ है। लगभग 120 मीटर लंबे इस खूबसूरत महल को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो तालाब में बीच में कोई सुंदर जहाज तैर रहा हो। संभवतः इसका निर्माण श्रृंगार प्रेमी सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने विशेष तौर पर अंतपुर के रूप में किया था। होशंग शाह की कब्र, जो कि भारत में मार्बल से बनाई हुई ऐसी पहली कब्र है जिसके आपको अफगानी शिल्पकला का बेहतर नमूना देखने को मिलता है। यहाँ का गुंबज बरामदा तथा मार्बल की जाली आदि की खूबसूरती बेजोड़ है। हिंडोला महल मांडू के खूबसूरत महलों में से एक है। हिंडोला का अर्थ होता है चूल्हा। इस महल की दीवारें कुछ झुकी होने के कारण यह महल हवा में झूलते हिंडोला की समान प्रतीत होता है। हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है। कई छोटे बड़े सुंदर महल है। इसके समीप ही चंपा बावड़ी है। यहीं पर हमारी यात्रा खत्म करते हैं। हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।